बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लास एट दी शाहरुख नियालम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। एनाटॉमी का हम चैप्टर थर्ड के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे थे। हमने जो न्यू चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम ये स्टार्ट किया हुआ था पढ़ना, ठीक है। कल हमने जो है इसको थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं। बेसिकली इनके पार्ट्स ही नेम एक दफा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आज का लेक्चर इजी रहे समझने में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे हमने। नोज, नाक से शुरू होता था ये, ठीक है, जिसमें नेजल कैविटी भी आ जाती थी, ओरल कैविटी भी आती थी, मतलब मुंह वाली कैविटी जो होती है बकल कैविटी, ओरल कैविटी आती थी। फिर नेक्स्ट आता था हमारे पास फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है हमारा गला, गले वाला हिस्सा। नेक्स्ट जो है वो एयर पास होती थी हवा, फेरिंग्स से गुजर के लेरिंग्स में जाती थी। लेरिंग्स जो है वो हमारा वोकल कॉर्ड जहाँ से आवाज भी पैदा होती है, ठीक है। लेरिंग्स के बाद हवा गुजरती थी ट्रेकिया में, वाइंड जिसे हम वाइंड पाइप या एयर पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली ट्रेकिया में से गुजर के ब्रोंकाई में चली जाती है। ब्रोंकाई जो होती है आगे लंग्स जहाँ से शुरू हो गए हमारे फेफड़े, ठीक है, ब्रोंकाइओल्स में तकसीम हो जाती है छोटी छोटी नालियों में, ठीक है। ब्रोंकाइओल्स के आगे छोटे छोटे सर्कुलर स्पेस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, साफ करती हैं, जिन्हें हम एयर सैक्स या हवा की थैलियाँ कहते हैं, और इजी अगर करें मेडिकल टर्म में हम उसे एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई में बेसिकली क्या होती है, हवा आके पहुँच जाती है। एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यहाँ से जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन खून में शामिल कर दी जाती है। लंग्स जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी यूनिट होता है, ठीक है, लंग्स प्राइमरी यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब पार्ट्स, दो पार्ट्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसमें हमारा आता है नोज, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। लेरिंग्स जो होता है वो अपर एंड लोअर दोनों में आता है, वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला हिस्सा, वोकल कॉर्ड यानी कि जिसे उर्दू में हम कहते हैं आवाज बनाने वाला आना, ठीक है, उससे जो है ऊपर वाला हिस्सा जो होता है लेरिंग्स का, वो आता है हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और इससे रिलेटेड बीमारियों को, इनकी होने वाली बीमारियों को भी हम इसी तरह से तकसीम करते हैं। अगर कोई बीमारी इन तीनों स्ट्रक्चर से रिलेट करती है, इनसे होती है, तो उन्हें हम अपर रेस्पिरेटरी डिजीजेस कहते हैं। अपर में हमारे पास नोज, नाक आ गया, फेरिंग्स गला और लेरिंग्स जो आवाज पैदा करने वाला आला है, उससे ऊपर वाला पार्ट जो होता है लेरिंग्स का, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है। वन बाय वन हमने इनके एनाटॉमी को देखने, आज हम देखेंगे नोज की एनाटॉमी, के नोज होता क्या है, कैसे बना हुआ होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि नाक होता क्या है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा होता है जिसके जरिए हम हवा अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे होते हैं, ठीक है। नाक से गुजर के जो है वो हवा अंदर दाखिल होती है, यानी कि नाक से हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारी नाक के अंदर बारीक बारीक से बाल होते हैं अंदर की तरफ, जैसे जाते हैं जो नाक की बाहर वाली ओपनिंग होती है, बाहर वाले सुराख, उन्हें हम नोस्ट्रिल्स यानी कि नथने जिसे उर्दू में कहते हैं ये बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हवा गुजरती है नाक से और नाक के अंदर दाखिल हो जाती है। अगर नाक बंद हो तो हवा मुंह के जरिए भी हम सांस ले सकते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे। तो नाक से गुजर के हवा हमारी नेक आगे जाती है। नाक में जो है हवा के ऊपर तीन तरह के काम होते हैं, एक तो हवा को फिल्टर करना होता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स यानी कि जो मिट्टी के जरात वगैरह होते हैं उनसे, उनको निकालना होता है। इस मकसद के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ही हवा दाखिल होती है उसमें से डस्ट पार्टिकल या मिट्टी के जो जरात होते हैं उससे जो है वो निकाल देते हैं और बाहर ही रोक लेते हैं। नेक्स्ट, जो अच्छी साफ सुथरी हवा है उसको लंग्स में, फेफड़ों में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो होता है फिल्टर, ये फिल्ट्रेशन होगी एयर की, ठीक है, हवा जो है शफाफ होगी। नेक्स्ट जो अगला काम होता है वो होता है मॉइस्चर, ठीक है, हवा को नम करना होता है। इस मकसद के लिए हमारे जो नोज का हिस्सा है, यानी कि नाक का हिस्सा, उसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। म्यूकस प्रोड्यूस होके क्या करती है, हवा को है जो नमदार बनाती है ताकि इजीली हमारे लंग्स तक पास आउट हो सके, पास गुजर जाए।
तीसरा काम जो रहता है वो होता है वार्म, ठीक है, गर्म हवा करनी होती है। उस मकसद के लिए ये होता है कि हमारे जो नोज है अंदर का हिस्सा, इसमें जो होती है ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई हम कह सकते हैं, सुपरफिशियल होती है, इनकी गहरी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल स्किन के ऊपर ही समझे होती है, बिल्कुल बारीक बारीक खून की नालियां होती है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी नाखून लग जाए तो फौरन नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इस पर्पज के लिए। और सबसे पहले अगर कहीं ब्लीडिंग होती भी है तो हमारी नोज की ही ये जो है वो रप्चर हो जाती है, बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक सी होती है, इस वजह से जो होती है। फिर क्योंकि खून की हरकत की वजह से जो है वो हवा जैसी दाखिल होती है तो ये हवा को जो है गर्माइश दे दी जाती है। इस तरह से हमारे नाक में ही हवा के तीन काम हो जाते हैं, एक हवा को फिल्टर कर दिया जाता है, दूसरा मॉइस्चर यानी कि नमदार कर दिया जाता है, और तीसरा उसको वार्म यानी कि गर्म करके आगे फिर लंग्स में भेजा जाता है जो हमारे फेफड़े होते हैं। एक तो हमारे नाक का काम ये है कि उसने हवा के ऊपर काम करना है, ठीक है, यानी कि हवा को अंदर पहुंचाना है, हवा की गुजरगाह पर काम करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे नाक का वो है हमारा नाक स्मेल डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की जो खुशबू या बदबू हम जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें जो डिस्टिंक्शन करना यानी कि पहचानना कि कौन सी है जो वो खुशबू है और कौन सी जो है वो बैड स्मेल है, इसको भी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है यानी कि पहचानता है, ये भी इसका ही काम आता है। तीसरा इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो हमारा नाक जो होता है हमारी आवाज की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। वो कैसे करता है आज इस लेक्चर में बताऊंगी कि हमारे नोज में जो होती है थोड़ी थोड़ी एयर स्पेसेस होती हैं, इन एयर स्पेसेस में जब हवा जाती है तो ये हमारी आवाज की जो होती है क्वालिटी को भी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ये हमारे नोज के बेसिक फंक्शन हो गए, और ये भी इंट्रो हो गया कि हमारे जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टार्ट ही हमारे नाक से होता है। नेक्स्ट जो है हम जो इम्पोर्टेंट बात है आगे अगर इसके एनाटॉमी हम देखें, इसके पार्ट्स देखेंगे कितने पार्ट्स होते हैं। नोज को हम दो हिस्सों में या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक्स बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा, इंटरनल अंदर वाला हिस्सा। जो बाहर वाला हिस्सा होता है बेसिकली वो देखें किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, हमारी उस पे बोन एंड कार्टिलेज, ये दो चीजें होती हैं जो कि स्किन ने जिन्हें कवर किया हुआ होता है। ये देखें जो एक्सटर्नल नोज है उसमें सिर्फ जो होती है हमारी हड्डियां और कार्टिलेज होती है जो उनकी कवर होती है हमारी स्किन से। नेक्स्ट जो होता है इंटरनल नोज, इंटरनल नोज क्या होता है, हमारा अंदर वाला हिस्सा, ये एक बड़ी कैविटी जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जो हमारा नोज है नेजल कैविटी जो होती है उसमें, ठीक है। अब उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, अंदर की तरफ जो हमारा नोज होता है लेफ्ट एंड राइट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है सेप्टम के जरिए। सेप्टम जो होती है एक दीवार, उस दीवार की तरह की जो लेयर होती है जो हमारे नाक को दो हिस्सों में देख, जैसे ही हम जो होते हैं ओपनिंग से अगर हम देखते हैं इनको नोस्ट्रिल से, तो लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स जो होते हैं नोज के वो सेप्टम की वजह से डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट सेप्टम के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो नेजल कैविटी के जो होते हैं वो होते हैं साइनसिस। साइनसिस भी जो होती हैं वो कैविटीज की तरह की स्पेस होती हैं जो क्या करती हैं हमारे जो नेजल कैविटी है उसमें स्पेसिस यानी कि स्पेस किसे कहते हैं, खाली जगह वो बनाती हैं जिसमें हवा जो होती है वो गुजर सकती है। इसका बेसिक पर्पज क्या होता है जो हमारी साइनसिस होती हैं, इसका मकसद ये होता है कि जो हमारा स्कल है, ठीक है, हड्डियां उनके वेट को लाइट वेट रखना ताकि जो हमारा स्कल है वो स्टेबल रहे, हवा की वजह से जो होता है वो लाइट वेट हो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारी आवाज की भी इम्प्रूवमेंट करती है, एयर जो होती है वो हमारी आवाज की वॉइस की क्वालिटी को बढ़ाएगी। थर्ड जो लास्ट काम होता है साइनसिस जो करेंगी वो क्या करती है, वो एयर स्पेसिस जो होती है साइनसिस हमारी वो म्यूकस प्रोडक्शन भी कर रही होती है जिसने हमारी नाक को में हवा को नमदार करना होता है, और आगे भी म्यूकस क्या कर रही होती है, आगे जो होते हैं म्यूकस जो है आने वाले बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको निकालती है ताकि हमारी जो बिल्कुल प्योर एयर है वो हमारे लंग्स तक जा सके। ये सब ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको, ये डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं नोज की, व्हाट इज द नोज, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच अलाउ एंट्रेंस ऑफ एयर इनटू द बॉडी, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा होता है जो कि अलाउ का मतलब होता है इजाजत देते हैं, ठीक है, एंट्रेंस गुजरने की एयर को इनटू द बॉडी, जो कि
हवा को जिस्म में दाखिल होने की इजाजत देता है वो हमारा नाक कहलाता है, नोस। ठीक है, इसके पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, नोज हैज टू पार्ट्स, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज। एक्सटर्नल जो होता है वो बाहर वाला नाक होता है, इंटरनल जो होता है वो अंदर वाला नाक का हिस्सा। एक्सटर्नल नोज इट कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल नोज होता है उसमें बोन और कार्टिलेज पाई जाती है जो कि स्किन की मदद से कवर होता है, ढकी हुई होना। ठीक है, ढकी हुई होती है। बोन एंड कार्टिलेज में मैंने आप लोगों को क्लास में भी डिफरेंस बताया था कि बोन जो होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर सख्त होती है, कार्टिलेज जो होती है वो नरम होती है, और कार्टिलेज जो होती है वो फोल्डेबल होती है यानी कि मोड़ सकती है, लेकिन बोन जो होती है वो इतनी सख्त होती है कि वो फोल्ड नहीं हो सकती। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एक्सटर्नल नोज, जो बाहर वाला नाक होता है। ठीक है, एक्सटर्नल नोज कंसिस्ट टू ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेरिस। जो एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाला नाक है वो हमारी दो ओपनिंग्स यानी कि दो जो होती हैं ओपनिंग्स पे मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम नोस्ट्रिल या नथने कहते हैं। ये जो हमारी नोज की ओपनिंग होती है, ये वाला पार्ट जो होता है हमारी नोज को, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये वाली जो होती है इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इसमें बस आप लोगों ने एक्सटर्नल नोज में एक यही याद रखना है, लेकिन आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नोज के पार्ट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पूरा, अगर हम नाक को देखें अपना, ये वाला जो हमारे फेस पे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमारी दो आईब्रोज के दरमियान से जहाँ से शुरू होता है इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा इसके नीचे वाला होता है जहाँ से ही उभार पैदा होता है इसको ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का क्या मतलब होता है, जैसे पुल होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, जहाँ से ये उभार शुरू होता है इस एरिया को ब्रिज कहते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है बच जाता है, ठीक है, जो इसके ये वाला पार्ट होते हैं ब्रिज से नीचे वाला, ये वाली लेंथ जो होती है इसे हम डॉर्सम कहते हैं, ये डॉर्सम कहलाते हैं। नोस्ट्रिल जो होती है ये नथने होते हैं, ठीक है, सेप्टम ये वाली जगह जो कि नाक को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर रही है, बेसिकली अंदर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए कंसेप्ट देने के लिए बाहर शो किया हुआ है कि क्या होती है।